हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। दो वीडियो ऑलरेडी नेशनल करंट अफेयर्स का डिस्कस कर चुके हैं, एडुटेरिया से हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, दो वीडियो में ऑलरेडी ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एडुटेरिया का हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पंजाब से सबसे पहले शुरू करते हैं, पंजाब के करंट अफेयर्स जो भी है उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम अलग अलग राज्य का डिस्कस करेंगे। कई का डिस्कस कर चुके हैं और ऑर्गेनाइज करके डिस्कस करें ताकि आपको मंथली करना ना पड़े। आपको ले ये जनवरी से जुलाई तक का टोटल 7 महीने का करंट अफेयर्स है, 7 मंथ का, ठीक है। कोई भी डाउट हो, फीडबैक देना हो तो आप इस पे दे सकते हो 9582062485, और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। चलिए, पंजाब से रिलेटेड है। सबसे पहले एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है मलेरकोटला, ये 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है। तो दो तीन राज्यों में जो डिस्ट्रिक्ट बना है ना, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब, तीनों का याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। चलिए, 23rd मलेरकोटला। मलेरकोटला किससे अलग हुआ है, सबसे पहले एक आपको पता होना चाहिए, संगरूर डिस्ट्रिक्ट है उससे अलग हुआ है। संगरूर थोड़ा मलेरकोटला की अगर हम डेमोग्राफी देखें तो यहाँ पे सिख मेजॉरिटी है, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद हिंदू। अगर बात करें फर्स्ट माइनॉरिटी, लार्जेस्ट माइनॉरिटी मुस्लिम है, याद रखिएगा। मोहाली का जो एक हॉकी स्टेडियम था, ध्यान देना, मोहाली का इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम था, उनका नाम चेंज करके बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम के नाम पे रख दिया गया, याद रखे। उसके अलावे पंजाब पहला स्टेट बना है, ध्यान देना, पंजाब पहला स्टेट बना है जो पूरी तरह क्या हो गया, जो पंजाब का जो अर्बन लोकल बॉडी है ना, ODF, ODF प्लस, ODF प्लस है। इसमें देखो, इसमें आपको डीप नहीं जाना है, बस समझो ना, ये कम्युनिटी में जो कम्युनिटी वाला जो होता है ना, उसमें जो जितना अच्छा काम करता है उसका ऐसे रैंकिंग मिलती है, ODF से एक और ऊपर ODF प्लस, फिर एक और ऊपर ODF प्लस प्लस, ये सबसे सही होता है। तो ये अर्बन लोकल बॉडीज में इसका 99.38% ऐसा हो गया, ठीक है ना। मतलब समझो ना, जो कम्युनिटी टॉयलेट होते हैं उनमें जितना ज्यादा व्यवस्था होगा वो ऊपर रैंकिंग में आता चलेगा, ठीक है ना। एक तो आज ही का न्यूज है, मैंने डाल ही दिया क्योंकि मैंने सुना, तो बनवारी लाल पुरोहित जी जो तमिलनाडु के गवर्नर थे अभी तक, वो पंजाब के भी गवर्नर बन गए हैं, एडिशनल चार्ज उनको मिल गया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे किसी और स्टेट का, इसमें तो इतना ही है। राजस्थान से रिलेटेड कुछ कर लेते हैं। राजस्थान, जो भी 7 महीने में राजस्थान से रिलेटेड आया है ना, वो सबको हम डिस्कस करते हैं। वैसे देखो, सबसे पहले जयपुर से एक न्यूज है और बहुत ही सही न्यूज है, पता है क्या। अभी देखो, अगर मान लो हमें प्रॉब्लम होती है ना कि हम जो घर में जो पेंट करते हैं वो बना होता है, लेड वगैरह उसमें डाला होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल होता है और वो हमारे शरीर में जाता है, भले ही कितना भी बोलते हैं ऐड के वक्त इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन जाता तो, ये तो हम सबको पता है, फैक्ट है। तो हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारा पेंट बना हो ऐसे चीज़ से जो प्राकृतिक हो। तो पहली बार जयपुर में क्या बनाया गया, खादी प्राकृतिक पेंट बनाया गया, खादी प्राकृतिक पेंट। भाई किस चीज का बना है, बहुत इंपॉर्टेंट, काऊ का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया, काऊ डंग का बना हुआ है, क्या के? खादी प्राकृतिक पेंट किस चीज का बना है, काऊ डंग का बना गया है, और ये इंडिया का पहला और एकमात्र पेंट है, पहला, फर्स्ट और वनली, एकमात्र पेंट है जो काऊ डंग से बना हुआ है, याद रखिएगा, कहाँ पे, जयपुर में, इंपॉर्टेंट है। एक और न्यूज है, सबसे पहले एक वर्ड आप मुझे बताइए, ओयासिस का मतलब क्या होता है, ओयासिस, आप इसको हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं, सिंपल समझो ना, ड्रॉट एरिया, जहाँ पे ड्रॉट एरिया मतलब, सॉरी ड्रॉट एरिया नहीं, डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में कहीं कहीं जो पानी होता है, डेजर्ट एरिया में कहीं कहीं जो वाटर छोटा छोटा बॉडी होता है या वाटर ऐसे जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ओयासिस, ठीक है। मान लो ये ऐसे वाटर जा रहा है, तो वाटर तो आपको पता है डेजर्ट एरिया में ज्यादा लंबा तक टिकने वाला नहीं है, और वाटर जहां पे है वहां पे हम कुछ करके कुछ प्लांट यहाँ पे लगा ले,
कुछ प्लांट लगा लें। तो यहाँ पे हम अगर प्लांट लगा लेंगे तो हम एक चीज और बोल सकते हैं, डेजर्ट का जो स्प्रेड है, डेजर्ट जो और बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं, डेजर्ट को रोक सकते हैं। और यहाँ से क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन भी रह रही है तो उनकी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा यहाँ पे प्लांट। तो अब क्वेश्चन रहता है यहाँ पे प्लांट कौन लगाया जाए जो इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर हो, यहाँ पे कौन प्लांट लगाया जाए। तो यहाँ पे आपको लगाना चाहिए बैम्बू, ठीक है ना। तो इसीलिए एक स्कीम है जिसका नाम है बैम्बू ओयासिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, बोल्ड प्रोजेक्ट। ध्यान देना, बोल्ड प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कीम है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे मोदी जी का, इसमें आप एक देखोगे तो ये एक्चुअली लॉन्च किया गया था आजादी के अमृत महोत्सव है ना उसमें। और इसमें क्या क्या होगा कि बहुत ज्यादा डिग्रेडेड लैंड को, जैसे 2.6 करोड़ हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड को हम रीस्टोर करना चाहते हैं 2030 तक। तो यानी हमारा मेन फोकस क्या है, जो लैंड खराब हो चुका है उसको रीस्टोर करेंगे। तो बोल्ड प्रोजेक्ट याद रखिएगा, बोल्ड प्रोजेक्ट ओपन कहाँ पे हुआ, ओपन हुआ है राजस्थान के, ध्यान देना, राजस्थान का एक ट्राइबल एरिया है, विलेज का नाम है निचला मंडवा, ये उदयपुर में है, याद रखिए उदयपुर में। तो यहां से याद कर सकते हैं उदयपुर में है लगा है, इनिशिएट हुआ है बोल्ड प्रोजेक्ट। फिर आगे भी करेंगे लेकिन स्टार्ट जहां पे होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अब इसके कॉन्सेप्ट भी समझ गए, बोल्ड प्रोजेक्ट का बैम्बू ओयासिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, ठीक है ना। पहले ही दिन किया गया था 500 बैम्बू को के सैम्पलिंग को सिंगल डे पे ही क्या किया गया था, उगाया गया था। चलिए, और एक और चीज, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंपॉर्टेंट है, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। आप मुझे बताइए किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री कौन सा है, MSME के अंदर आती है। चलिए, राजस्थान से रिलेटेड दो न्यूज हो गया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, देखो पहले जैसे मैंने यहाँ पे सब टॉपिक समझा दिया था, फिर मैं आपको करेंट अफेयर्स पे ले गया था, कुसुम। कुसुम का क्या फुल फॉर्म है पहले देखिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा, मतलब इसको हिंदी में लिख सकते थे किसान ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि हिंदी में ही है, एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। इसका मतलब है किसान के ऊर्जा की सुरक्षा, यानी किसान को इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए तो इससे होगा क्या फायदा, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छे से होगी, इरिगेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी होती है ना। तो इसीलिए अभी राजस्थान सरकार ने क्या किया है, जयपुर में, ध्यान देना, जयपुर में एक सोलर पावर प्लांट बनाया, फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट, याद रखिए फार्म बेस्ड कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट प्लांट, ठीक है ना। ये क्या है कि हर साल 17 लाख यूनिट बिजली जनरेट करेगी, याद रखने, फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कहाँ पे, जयपुर में, राजस्थान में, किस स्कीम के अंतर्गत, कुसुम, कुसुम याद रखना है, कुसुम। उसके अलावा राजस्थान देश का पहला राज्य बना है, फर्स्ट स्टेट बना है, जो अपने सारे नागरिकों को फैमिली, जो पूरे फैमिली होती है ना उसको मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दे रहा है, मुफ्त फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस। क्या नाम है उनके इंश्योरेंस का, ऐसा लेकर रहेंगे जो हमारा आयुष्मान नहीं है जिसमें 5 साल 5 लाख दिया जाता है पर फैमिली, यहां भी वही है, ठीक है ना। किस स्कीम का क्या नाम है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, याद हो गया। एक और है लास्ट, जो
पुलिस एकेडमी है ना, पुलिस एकेडमी जितनी भी, तो राजस्थान पुलिस एकेडमी को टॉप का मतलब टॉप पे है, वो अवार्ड मिला है 2019-20 के लिए। राजस्थान की पुलिस एकेडमी टॉप पे है, ठीक है ना। किसने दिया? ऑब्वियसली हमारी गृह मंत्री ने, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी कौन है? राजस्थान वाली। राजस्थान से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट था। अब कुछ हम डिस्कस करें, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड न्यूज है, उसको डिस्कस करें। छत्तीसगढ़ सबसे पहले क्या है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड? अभी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अपना एक रिपोर्ट निकाला है। दो चीज बताया उसमें, कोल प्रोडक्शन कहाँ पे ज्यादा हुआ है। उसमें दो दो टॉपिक है रिपोर्ट में। एक है थर्मल कोल प्रोडक्शन, थर्मल एनर्जी के लिए कोल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है। एक कुकिंग कोल के लिए, कुकिंग, तो थर्मल प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा हुआ छत्तीसगढ़ में, सेकेंड नंबर पे आया उड़ीसा, थर्ड नंबर पे आया झारखंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुकिंग थी थर्मल कोल प्रोडक्शन के लिए पहला नंबर है छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, थर्ड है झारखंड, नहीं एमपी, एमपी सॉरी एमपी। अगर कुकिंग कोल की बात करें तो फर्स्ट है झारखंड, याद रखें। कुकिंग कोल की बात करें तो फर्स्ट है झारखंड, बस इतना याद रखने लगा, ठीक है ना। चलिए एक और है, वहां पे एक लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे? कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके एरिया को घटाया गया, बस इतना याद रखें, उसके एरिया को डिक्रीज किया गया है। और बात करें तो एक मेगा फूड पार्क बनाया गया है जिसका नाम रखा गया इंडस मेगा फूड पार्क। हमें कंफ्यूजन होगी, हमें लगे इंडस है तो JNK वगैरह में होगा, लेकिन नहीं, छत्तीसगढ़ में इंडस मेगा फूड पार्क, ठीक है। उसके अलावा एक और न्यूज है, देखो हमें पता है बिहार ने लाया है इथेनॉल पॉलिसी, लेकिन इथेनॉल का पहला प्लांट कहाँ ओपन किया गया है, ये है छत्तीसगढ़ में। ये मैं इथेनॉल वाले में भी बना दूँ बताया था, इथेनॉल पावर प्लांट सबसे पहले कहाँ पे ओपन हुआ है, ये हुआ है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इतना ही न्यूज था छत्तीसगढ़ से इम्पोर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चन आपको मिनिस्ट्री से मिलेगी, मिनिस्ट्री मैं बताता हूँ क्या क्या। सबसे पहले एक नया मिनिस्ट्री बनाएगा जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। इसका चार्ज किनको मिला है? अमित शाह जी को, ये पता है आपको, ठीक है। अब टोटल 41 सेंट्रल मिनिस्ट्री हो गए, यह भी याद है मिनिस्ट्री से रिलेटेड। एक इम्पोर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट है, एक एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स बनाया गया है, ध्यान देना, डिपार्टमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स। अब क्वेश्चन होता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और पहले किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सॉरी डिपार्टमेंट कॉपरेटिव्स तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ध्यान देना मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस पहले आता था मिनिस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री है ना उसके अंदर, ध्यान देना, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस पहले आता था हेवी मिनिस्ट्री वाली इंडस्ट्री के अंदर, हेवी मिनिस्ट्री वाले जो है ना, हेवी इंडस्ट्री वाले जो मिनिस्ट्री है उनके अंदर। लेकिन अब आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर अब टोटल कितने डिपार्टमेंट हो गए? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक अफेयर्स, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विस, ये है डीपम जो डिस इन्वेस्टमेंट वाला काम करता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बजट जो रिलीज होता है वो कौन से डिपार्टमेंट करते हैं, क्योंकि करती है तो फाइनेंस मिनिस्टर, कौन से डिपार्टमेंट? ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का वो काम है, इन्हीं का काम है बजट वाला डिवीजन, याद रखिएगा, हो गया। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव लाना एक बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको पता है कॉपरेटिव्स हमारे फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और इवन फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, ठीक है ना।
कोऑपरेटिव्स बनाना, कोऑपरेटिव जो है वो कब आया था ये पता है? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ठीक है, ड्यूटी में भी नहीं है, ड्यूटी में नहीं है, फंडामेंटल डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट वाले में। अब मुझे बता, कोऑपरेटिव्स बनाना फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में जहाँ यूनियन वाला था ना, तो यूनियन के साथ कोऑपरेटिव्स भी ऐड कर दिया गया बस। और तो इससे क्या होगा, इस मिनिस्ट्री का बनाने के बाद हमारा जो एक विजन है सहकर से समृद्धि, क्योंकि कोऑपरेटिव्स में क्या हो रहा है, हम सब साथ मिलके, कुछ लोग हैं जो साथ मिलके आते हैं, काम करते हैं, इसमें बहुत कुछ करते हैं। जैसे आपको पता है जो हमारा डेयरी फार्म है उसमें बहुत सारे कोऑपरेटिव्स हैं, एग्रीकल्चर में आएंगे, सब में आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे लैंड पे काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सब मिलके एक साथ करेंगे तो इनके बात की वैल्यू भी होगी, तो इसीलिए मेन है इनका, क्लियर। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है, क्योंकि आपको पता है पीएम केयर्स फंड में पैसा आ रहा है लोगों के द्वारा, तो पीएम केयर्स फंड में से पैसा लेके 100 हॉस्पिटल बनाया, बनाने की बात की है, कौन? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाला, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो नहीं है वो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। एक और स्कीम का नाम है टेक भारत। टेक भारत कुछ नहीं है, सिंपल समझो, टेक भारत बस एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आप किस किस को साथ ला रहे हो, एक तरफ आप ला रहे हो जो हेल्थ सेक्टर के वेरियस स्टेक होल्डर होते हैं ना, उन सबको, जैसे कंपनी को आप ला रहे हो, डॉक्टर को आप साथ में जोड़ रहे हो, स्टार्टअप को साथ में जोड़ रहे हो, इंडस्ट्री मेंबर को साथ में इकट्ठा कर रहे हो, सबको एक जगह इकट्ठा कर रहे हो। और मेन क्या फोकस है हमारा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया था, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ओरिजिनेट किया और उस समय। और इसका मेन काम क्या है, मेन काम क्या है कि सभी को एक जगह इकट्ठा करो, ताकि सब बताए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, सब कुछ, ठीक है ना। और इसमें हमने क्या किया है, हम जो एक आत्मनिर्भर भारत है जो उसका आउटले है, उसमें से ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपया यहाँ पे डाला है, किसमें? हेल्थ सेक्टर में, कि हम अपने हेल्थ सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाते हैं, ठीक है ना, हर चीज पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हर सेक्टर में, ठीक है। एक और मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, उसका नाम है ट्वाई थॉन, ये हुआ 2021 में। अब मेन इसका मकसद क्या है, मकसद है कि प्राइम मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं कि हर चीज में वोकल टू लोकल है, वोकल फॉर लोकल वाइल्ड है, कि हमारे देश के बच्चे अगर खिलौना खेल रहे हैं, क्योंकि खिलौना खेलेंगे तो हमें क्यों ना, हम जैसे मान लो, हम जैसे हम क्या करते हैं, विदेशी कंपनियों के खिलौने पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर मान लो हमारे देश के लोग कंपनी बनाए, मतलब हमारे देश के कंपनी वाले अगर खिलौना बनाए, तो इससे फायदा क्या होगा, मैं बताता हूँ। एक तो है वोकल, इसका मेन फोकस है वोकल फॉर लोकल टॉयज। अब मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड अगर कुछ बनाया गया, हमारे कल्चर, जैसे हमारे लोकल, जैसे मान लो कोई आदिवासी लोग कोई बना रहे अपने लोकल फोल्कलोर, मतलब अपने कोई स्टोरी में, उनके स्टोरी में किसी आदमी के बारे में चर्चा है, तो मान लो वो अगर खिलौना बनाए, वो खिलौना भारत के दूसरे कोने पे पहुंचे, तो कितना सही होगा ना, कि वहां के खिलौने, मतलब अपने हमारे भारत के हर लोकल एरिया के खिलौने हर जगह पहुंच रहे, भारत के अलग अलग शहर में, तो हम एक दूसरे के कल्चर के बजाने कल्चर के बारे में जानेंगे, और बच्चों में क्यूरियोसिटी जगेगी कि भारत के बारे में जानते हैं, मतलब हम विदेशों से आए हुए खिलौना को खेलने से पहले हम पहले भारत के कल्चर के बारे में, भारत की मूर्ति जो भी होती है उनके बारे में पता करेंगे, ठीक है ना। इंडियन, मतलब इंडियन वैल्यू सिस्टम पे खिलौना, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी विदेशी वाला बना दो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो कौन कौन से मिनिस्ट्री इसमें लगा है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लगा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लगा है, और एमएसएमई, क्योंकि छोटे लेवल पे ही बनाने, ऐसा नहीं बड़े बड़े कंपनी देखो दे देते दे खिलौना बनाने के लिए, नहीं, एमएसएमई। उसके अलावा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, कई सारी मिनिस्ट्री है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री,
उसके अलावे है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीटी जो नहीं है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नहीं नहीं ये तो टेक्नोलॉजी अलग है, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वाली मिनिस्ट्री है, और एक और है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, क्लियर। ये सारे मिनिस्ट्री से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन। दो और है मिनिस्ट्री से रिलेटेड, एक तो हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करें। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंद्रधनुष 3.02, इंद्रधनुष 3.0 स्टार्ट किया। इंद्रधनुष में यही था कि इम्यूनाइजेशन पे फोकस करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं अलग अलग बीमारियों की, इसमें इम्यूनाइजेशन पे 3.0, 1.0, 2.0, 3.0 मतलब और एक्सटेंसिव बनाने के लिए और ज़्यादा लोग तक पहुँचते, ऐसे होता है, ठीक है। एक और है अर्थ मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ है ना, उन्होंने एक डीप ओशन मिशन लाया, डीप ओशन मिशन, ठीक है ना। ओशन के डीप में क्या क्या है, कैसे फायदा ले सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं ओशन के बारे में, सबके लिए वो मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ वाला जो है। चलिए मिनिस्ट्री से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया, जो भी न्यूज में था। मैं तो बोलूंगा यार आप लिखते हुए चलो, कि आप लिखते हुए चलोगे ना, अब ज़्यादा तो नहीं लिखना यार, 2-3-4 पेज में ही हो जा रहा है, हमारा पूरा नेशनल हो जाएगा, एक दिन का एक पेज में ही मुश्किल से अटेगा। अब एक दो ऐसे ही न्यूज है, बांग्लादेश में दुनिया का सबसे छोटा 20 इंच लॉन्ग काऊ मिला है, बांग्लादेश में सबसे छोटा काऊ, स्मॉलेस्ट काऊ, ये ध्यान रख सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सब। एक और है, हाँ एक कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, जिसका नाम है जीन रोबोटिक्स, जीन रोबोटिक्स, रोबोटिक्स, ये ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाई है, क्योंकि आपको पता है अभी कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले हमारे एक एयरबेस पे ड्रोन से अटैक हो गया था, तो ये बनाएगी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाएगी, ये इंडिजिनियस है, इंडिया की कंपनी है जीन रोबोटिक्स, क्लियर। एक और है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है भारत नेट प्रोजेक्ट को, ध्यान देना भारत नेट प्रोजेक्ट को 16 स्टेटों में, भारत नेट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट है कि पंचायत में जो गांव एरिया है ना वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी पहुंचाने का, हाई स्पीड इंटरनेट पंचायत को जोड़ना, तो 16 स्टेट में वो किया है, ठीक है, उसमें 7 नॉर्थ ईस्ट भी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से अब डिस्कस कर लेते हैं, अरुणाचल, अगर बात करें एरिया वाइज तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे लार्जेस्ट है, पता होगा लार्जेस्ट है एरिया वाइज, तो अरुणाचल प्रदेश, देखो बेसिक जानकारी हम नहीं करा, वेरी बेसिक जानकारी स्टेट स्पेशल में करा ही दे रहे हैं, और वो भी बहुत अच्छे से। और तो अरुणाचल प्रदेश से दो चीज, एक तो आपको पता है वैनेडियम, वैनेडियम का यहाँ पे खदान मिला है, वैनेडियम का खदान मिला है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, और इसे फायदा क्या होता है, स्टील वगैरह जो बनता है ना उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए। वैनेडियम अभी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, चाइना में, ठीक है ना, स्टील और टाइटेनियम वगैरह जो होता है ना उसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए वैनेडियम, ठीक है। और एक और चीज है, दो ही न्यूज है इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश से जो पिछले 7 महीनों में आए हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर है ऑन यार्क, देखो सबसे पहले समझो यार्क एक जानवर है, ठीक है ना, यार्क एक जानवर है, ये आता है, सिंपल समझो ना, ये शेड्यूल 2 में आता है और वनरेबल है, वल्नरेबल है, तो एक कंपनी है, ध्यान देना एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर, सॉरी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसने नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक के साथ एक MOU साइन किया है, क्यों, ताकि इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके याक को, मतलब याक को मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके, ऐसा नहीं कि इसका कोई भी आता है कुछ भी मार के चला जाता, नहीं, दो कंपनी है, एक है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और एक है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक,
ठीक है, इन दोनों ने मिलकर, याद रखिए दो ही इम्पोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। सबसे इम्पोर्टेंट मेघालय से न्यूज है, एक है सोहरा, सोहरा जिसको हम बोलते हैं चेरापूंजी भी, सोहरा। और मेघालय में तीन फेमस जनजातियां होती है और तीन फेमस पीक है, माउंटेन पीक, गारो, खासी, जयंतिया, ये तो हमें पता है। इसमें से सोहरा पड़ता कहाँ पे, ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में, इसी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट का नाम ही पड़ा है, ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सोहरा का नाम चेरापूंजी भी है, चेरापूंजी। चेरापूंजी आपको फेमस है ना, जहां पे लिविंग ब्रिज नहीं बनाया जाता है, लिविंग ब्रिज बन जाता है, लिविंग ब्रिज, और लिविंग ब्रिज जो फेमस है वही यहीं का है, सोहरा का ही है, चेरापूंजी में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम, क्या नाम है उसका, ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन का, कि यहाँ पे एफॉरेस्टेशन किया जाए ज्यादा से ज्यादा। क्या नाम है, ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन, एक कैंपेन चलाया है, मेन फोकस है कि सोहरा को और ज्यादा ग्रीन किया जाए, ठीक है ना। और एक्चुअली मतलब इन्होंने क्या किया, इन लॉन्च किया है मेघालय में, लॉन्च किया है कि इन्होंने, अमित शाह जी ने, लेकिन ये एक्चुअली प्रोग्राम है किनका, क्योंकि इनको नाम है लॉन्च करना, इनका काम है, बट ये प्रोग्राम है आसाम राइफल्स का, ध्यान देना, प्रोग्राम है आसाम राइफल्स का, ठीक है, समझ में आने, ये प्रोग्राम है किसका, आसाम राइफल्स का। आसाम राइफल्स से एक और चीज आपको बताऊंगा, और मेन फोकस इनका क्या है कि जितना भी मान लो आप प्लांट वगैरह काट लेते हो, आपको फ्यूल की जरूरत है तो काट लेते हो, तो इसमें से जितना भी काटते हो उसका 80% आप ऐसे प्लांट लगाओ जो ट्रेडिशनल हो, ऐसा नहीं कि आप फॉरनर पेड़ लगा रहे और वो पूरा एनवायरनमेंट को नुकसान, और प्लस लाइफ लॉन्ग चले। तो अब बोलो 80% जगह पे ये लगा लेंगे, 20% जगह पे ऐसे लगाओ जो प्लांट को आप बार बार काटते हो, इवन जानवर के फीड के लिए जो यूज किया जाता है, घास वगैरह के मैदान, इन सब के लिए यूज करो, ठीक है ना। तो आसाम राइफल्स का प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंप, स्लोगन क्या है, एवर ग्रीन नॉर्थ ईस्ट, एवर ग्रीन नॉर्थ ईस्ट स्लोगन है, एवर ग्रीन नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको पसंद आता प्लीज शेयर कर जरूर करना। मेघालय सरकार ने एक और बहुत काम, अच्छा काम किया है, मेघालय को पता है कि यूथ सबसे बड़ा एसेट होता है, और यूथ अगर चला गया गलत रास्ते पे, इवन क्राइम के रास्ते पे, तो वो इवन सोसाइटी, राज्य, देश सबको नुकसान करता है। इसलिए यूथ अपने पोटेंशियल को समझे और पोटेंशियल पे काम करे, एम्प्लॉयमेंट मिले सबके लिए, काम करने के लिए एक इन्होंने लाया है यूथ पॉलिसी 2021, ठीक है ना, कि कौन कौन सी सरकार ने क्या क्या पॉलिसी लाया सब याद रखना है। इथेनॉल पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट ने, गुजरात ने लाया, सोलर पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं करना है, इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। और एक और है नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का पहला, ध्यान देना, नॉर्थ ईस्ट का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बनाया गया, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल, ये कहाँ पे, शिलोंग में, शिलोंग जो मेघालय की कैपिटल है, नाम रखा गया इसका आसाम राइफल्स पब्लिक स्कूल। ठीक है, आसाम राइफल्स पब्लिक स्कूल। एक और इम्पोर्टेंट है जो कि नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है, एक आर्क ब्रिज, देखो जो खांसी डिस्ट्रिक्ट जो है ना, खांसी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक आर्क ब्रिज बनाया गया है, वो सबसे लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज, ठीक है ना, खांसी पे है वो, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ, जो डिपार्टमेंट है ना मिनिस्ट्री में जो डेवलपमेंट करना है नॉर्थ ईस्ट वाले, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो वाले मिनिस्ट्री है। मेघालय की कैपिटल हमें पता है शिलोंग है, और उसके अलावा ईस्ट खासी हिल्स पे बनाया गया, ईस्ट खासी हिल्स, ठीक है।
मेघालय से रिलेटेड एक और लास्ट न्यूज है जो अभी मेघालय के शिलोंग में जो जन औषधि केंद्र नहीं होता था स्कीम है जन औषधि केंद्र, ठीक है ना, जो जो जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जेनेरिक दवाई बेचते हैं जिसमें, तो वो सस्ती रेट पे, तो वो 7500वां मतलब 7500 ये शिलोंग में ओपन किया गया है। जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 मार्च को, ठीक है। ये सारा हो गया मेघालय से रिलेटेड, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब कुछ नीति आयोग से है, नीति आयोग 2015 में बना था आपको पता है, प्लानिंग कमीशन को हटा के। तो सबसे पहले नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग ने एक है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ध्यान देना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ मिलके लॉन्च किया है रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2020। सिंपल समझो ना कि रिन्यूएबल एनर्जी जो भी होती है ना देशों में राज्यों में उनको इंटीग्रेट किया सके सके, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लॉन्च किया है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद और नीति आयोग से रिलेटेड एक और न्यूज है, एक लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा पोषण ज्ञान, पोषण ज्ञान ये सिंपल समझो ना न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होगी, डिजिटल डिपोजिटरी है समझो ना, सिंपल एक ब्लॉग है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कुछ केस स्टडी होगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी, कुछ बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री वाला जो था ना उसमें हम दो चीज कराना भूल गए थे, मिनिस्ट्री वाला में मैं आपको उसको करा दूँ, एक और एक एक प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम था जो 2 दिनों तक चला था जिसका नाम है एडी एडुकॉन, ठीक है ना, एडुकॉन। इसमें संवाद किया गया था कि भारत में कैसे जो हायर जो मतलब एजुकेशन है ना उसको बहुत हाई प्रोडक्टिव और हाई लेवल तक पहुंचाया जा सके, एडुकॉन। उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे ना रमेश सिंह पोखरियाल जी, वो किए थे इसका उद्घाटन। उसके अलावा एक और है, बहुत सारे हमने आवासीय विद्यालय है ना उनको उनका उसका नाम चेंज करके उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम रख दिया है, बहुत सारे आवासीय विद्यालय हैं तो उसका नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे कर दिया, ये नॉर्मल बात है। इसको भी किसने किया? ऑब्वियसली शिक्षा मंत्री ने किया, ठीक है। तो मेघालय से रिलेटेड हमने बहुत सारे न्यूज कर लिए, नीति आयोग से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज कर लिए, अब कुछ न्यूज ऐसे हैं जो आईआईटी से रिलेटेड है, जो जो आईआईटी ने बनाया है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो कुछ करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक न्यूज के बारे में जो कि किया है आईआईटी कानपुर ने, कानपुर आईआईटी कानपुर ने क्या किया है कि उन्होंने बनाया है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, ठीक है। मेन यहाँ पे क्या काम है, जो भी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम से रिलेटेड है, एंटी ड्रोन सिस्टम, इन सब पे काम किया जाएगा, ठीक है, इन सब पे काम किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है आईआईटी मद्रास से रिलेटेड, सबसे पहले यहां पे इन्होंने एक 3D प्रिंटिंग हाउस बनाया है, ठीक है। एक और है आईआईटी रोपर, आईआईटी रोपर ने क्या किया है, एक बनाया है जीवन वायु, जीवन वायु, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन की कमी है ना उसको पूर्ति करेगा ये, 60 लीटर पर मिनट तक का उच्च प्रवाह कर सकता है और ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के भी चलता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि गांव एरिया में इसको नहीं ले जा सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नहीं इसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और है आईआईटी मुंबई के साथ, मुंबई के साथ MOU किया है इंडियन आर्मी ने, आर्मी ने, कि हम सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट लगाते हैं सिक्किम में। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये कौन कर रहा है, सिक्किम में
सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट, हार्नेसिंग प्लांट। तो क्या क्या हो गया, आईआईटी से हमने तीन चार नीड देख लिया। आईआईटी कानपुर में ने क्या किया, टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर। उसके बाद आईआईटी मद्रास ने क्या किया, आईआईटी मद्रास में थ्री डी प्रिंटिंग हाउस बनाया है, 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है और 5 दिन में ही बन गया था। और ये 2022 तक जो हमें हमारी आवास परियोजना है ना कि सबके घर, सबके पास घर होना चाहिए एक, तो उस स्कीम के लिए सबसे अच्छा, क्योंकि 5 दिन में एक घर बना दिया ये, ठीक है ना, 3D प्रिंटिंग से, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे हमने रोपर के बारे में, रोपर ने क्या किया, जीवन वायु बनाया है, ये सब है। एक और न्यूज है मद्रास से रिलेटेड, एक और है मद्रास, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखो 3D इम्पोर्टेंट तो सारे होते हैं। एक रिसर्चर ने डिवाइड किया है एन बी ड्राइवर, ये पता क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडल है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या करेगी, जीनोम में जो म्यूटेशन हुआ है, जो मतलब जो पैथोजेनिक वेरिएंट के कारण जो म्यूटेशन हुआ है ना, जिसके कारण कैंसर हो सकता है, उसको क्या कर सकता है, जीनोम सिक्वेंसी के मदद से उसको रिमूव कर सकता है। तो समझते हैं कैंसर पेशेंट के लिए सही है। एनवी ड्राइवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल है, किसने, आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी से रिलेटेड हमने सारे न्यूज कर लिए, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन है हाइड्रोजन से रिलेटेड। सबसे पहले एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे बनाया, मथुरा रिफाइनरी में। क्या ना, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, ठीक है। एक और है हाइड्रोजन से रिलेटेड है, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, ये कहां पे, लद्दाख में। पुडुचेरी में भी एक हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट बन रहा है, हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट। और ये थोड़ा न्यूज में पता है क्यों, क्योंकि पुडुचेरी के CM इसको अगेंस्ट कर रहे, मतलब खिलाफ है इसके, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया। एक एक या दो वीडियो और आएगा मैक्सिमम, एक में शायद ना हो पाए क्योंकि अभी कई सारे स्टेट हमें बचा हुआ है, तो दो वीडियो आ जाएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज करना। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करने से मत रोकना, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और जल्दी जल्दी वीडियो लाता चलूँगा, ठीक है ना। क्योंकि अब थोड़ा मेरे पर्सपेक्टिव से भी सोचो कि मोटिवेशन मेरे आना चाहिए ना पीछे से, कि क्यों मैं वीडियो बनाऊँ। चलिए, थैंक यू सो मच।